हेलो एवरीवन, मेरा नाम सनी शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एस्पायर एकेडमी के डेली फैक्ट्स एंड करंट अफेयर प्रोग्राम पर। आज दिनांक 10 अक्टूबर 2020 दिन शनिवार। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है। 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे यानी विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज दुनिया में कई सारे लोग डिप्रेशन या फिर किसी न किसी मानसिक बीमारी के शिकार हैं। ये बीमारी आज के दौर में इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि हर दूसरा व्यक्ति इससे ग्रस्त है। लोगों को मानसिक रोग की चपेट में आने से कई बाहर आत्महत्या का ख्याल भी आता है। ऐसे में विश्व को मेंटल हेल्थ के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से ये दिन मनाया जाता है। वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ ने वर्ष 1992 में वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे की शुरुआत की थी। वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ 150 से अधिक सदस्य देशों वाला एक वैश्विक मानसिक स्वास्थ्य संगठन है। साल 1994 में संयुक्त राष्ट्र के तत्कालीन महासचिव यूजीन ब्रोडी ने एक थीम निर्धारित कर इस दिवस को मनाने की सलाह दी। तब से हर साल 10 अक्टूबर को मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए वैश्विक स्तर पर कार्यक्रम किए जाते हैं। हर साल विश्व मानसिक दिवस स्वास्थ्य दिवस के लिए एक थीम रखी जाती है। इस बार की थीम सभी के लिए मानसिक स्वास्थ्य, अधिक से अधिक निवेश, ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच रखी गई है। इसी थीम पर पूरे विश्व में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आज के दिन की पहली करंट अफेयर है, विश्व खाद्य कार्यक्रम को वर्ष 2020 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार देने की घोषणा की गई। वर्ष 2020 का शांति नोबेल पुरस्कार दुनिया भर में भूखे लोगों की मदद करने वाले विश्व खाद्य कार्यक्रम अर्थात वर्ल्ड फूड प्रोग्राम या लघु फार्म में WFP को देने की घोषणा की है। विश्व खाद्य कार्यक्रम दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संगठन है जो भूखे लोगों को भोजन उपलब्ध कराता है और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देता है। WFP ने वर्ष 2019 में 88 देशों में करीब 100 मिलियन लोगों को सहायता मुहैया कराई जो तीव्र खाद्य असुरक्षा और भूख के शिकार हुए थे। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, सरकार ने ऑनलाइन स्टार्टअप प्लेटफॉर्म स्टार्टअप इंडिया शोकेस लॉन्च किया। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने स्टार्टअप के लिए स्टार्टअप इंडिया शोकेस नामक एक नया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किया है। इस वेबसाइट का मुख्य उद्देश्य भारत के सबसे बेहतर स्टार्टअप्स को एक साथ लाना, जिन्होंने फिनटेक, इंटरप्राइज टेक, सोशल इफेक्ट, हेल्थ टेक और एडिटेक जैसे क्षेत्रों में अपनी क्षमताओं को साबित किया है। वेबसाइट पर मौजूद स्टार्टअप विशेषज्ञों द्वारा चुने जाएंगे और जो बाद में कई स्क्रीनिंग और मूल्यांकन प्रक्रिया से गुजरेंगे। सूचीबद्ध फार्मों को सरकार या कॉरपोरेट खरीदारों द्वारा वस्तुओं या सेवाओं के संभावित आपूर्तिकर्ताओं के रूप में भी माना जाएगा। प्रत्येक स्टार्टअप का अपना प्रोफाइल पेज होगा जिसमें उसके उत्पाद और नवाचार के बारे में विस्तृत जानकारी होगी। साथ ही वीडियो और PDF लिंक भी उपस्थित होंगे। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, ओडिशा के प्रसिद्ध कवि नित्यानंद नायक को सरला पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रसिद्ध ओडिया कवि नित्यानंद नायक को साल 2017 में प्रकाशित उनकी कविता सेते बेलेकु नतीबा के लिए प्रतिष्ठित सरला पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इस पुरस्कार के स्वरूप कवि को 5,00,000 रुपये का नकद पुरस्कार और एक प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा। राज्य के दो अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तित्व रंजीत कुमार नाग और श्याम सुंदर पटनायक को क्रमशः संगीत और कला के क्षेत्र में उनके योगदानों के लिए सम्मानित किया जाएगा। रंजीत कुमार नाग को इला पांडा संगीत सम्मान दिया जाएगा जबकि पटनायक को इला पांडा चित्रकला सम्मान से सम्मानित किया जाएगा।
इन पुरस्कारों में 150,000 का नगद पुरस्कार और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। सरला पुरस्कार को ओडिशा के अग्रणी साहित्यिक पुरस्कारों के रूप में मान्यता प्राप्त है। प्रख्यात उड़िया उद्योगपति स्वर्गीय बंसीधर पांडा और स्वर्गीय इला पांडा द्वारा 1979 में स्थापित किए गए वार्षिक सरला पुरस्कार को इंडियन मेटल्स पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा लगातार प्रदान किया जाता रहा है। पुरस्कारों की सूची की घोषणा सरला पुरस्कार समिति द्वारा की गई थी। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, MA गणपति नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो BCAS के महानिदेशक के पद पर MA गणपति की नियुक्ति का अनुमोदन कर दिया है। वे इस पद पर 29 फरवरी 2024 को अपनी सेवानिवृत्ति तक या अगले आदेश तक रहेंगे। श्री गणपति 1986 बैच के उत्तराखंड संवर्ग के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं। नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक का पद अगस्त में खाली हुआ था, जब श्री राकेश अस्थाना को सीमा सुरक्षा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया था। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2020 के परिणाम जारी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कारों के पहले संस्करण के परिणाम जारी कर दिए हैं। ये पुरस्कार 12 विभिन्न क्षेत्रों में दिए गए हैं, जिनमें कृषि, शिक्षा, उद्यम प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, वित्त, खाद, स्वास्थ्य, उद्योग और शहरी सेवाएं शामिल हैं। कृषि उत्पादकता श्रेणी में पुरस्कार नव डिजाइन और इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है, जबकि फसल कटाई के बाद की श्रेणी में पुरस्कार इंटेलो लैब प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है। स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र का पुरस्कार एलॉय ई सेल प्राइवेट लिमिटेड ने प्राप्त किया। उपग्रह प्रौद्योगिकी क्षेत्र के तहत पुरस्कार बेलाट्रिक्स एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड को मिला है। इस अवसर पर श्री गोयल ने कहा कि इन पुरस्कारों से युवा उद्यमियों में नया उत्साह आएगा और उन्हें स्टार्टअप्स के जरिए कुछ नया करने की प्रेरणा मिलेगी। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, निर्मला सीतारमन ने लॉन्च किया इंडियन बैंक का बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम MSME प्रेरणा। इंडियन बैंक में MSME यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग सेक्टर के लिए MSME प्रेरणा नाम से एक ऑनलाइन बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम शुरू किया गया है। बैंक का कहना है कि यह देश में MSME सेक्टर के लिए किसी भी बैंक द्वारा शुरू किया गया इस तरह का पहला प्रोग्राम है। MSME प्रेरणा को आधिकारिक तौर पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लॉन्च किया है। इस प्रोग्राम को स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा। MSME प्रेरणा का मकसद स्किल डेवलपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप्स के जरिए उद्यमियों को मजबूत बनाना है। आज की करंट अफेयर में इतना ही। आइए बात करते हैं देश और दुनिया के इतिहास में घटित 10 अक्टूबर की प्रमुख घटनाएं। आज ही के दिन सन 1731 में प्रसिद्ध ब्रिटिश वैज्ञानिक हेनरी क्विंडिस का जन्म हुआ था। इन्होंने हेनरी हाइड्रोजन गैस की खोज की थी। आज ही के दिन सन 1733 में फ्रांस सम्राट ने चार्ल्स सिक्स से युद्ध की घोषणा की। आज ही के दिन सन 1846 में ब्रिटिश खगोलविद विलियम लॉसेल ने नेपच्यून के प्राकृतिक उपग्रह की खोज की। आज ही के दिन सन 1910 में वाराणसी में मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में प्रथम अखिल भारतीय हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। आज ही के दिन सन 1928 में चियांग काई शेक चीन की राष्ट्रीय सरकार के अध्यक्ष बने। आज ही के दिन सन 1970 में फिजी को ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिली और इस दिन को इस देश का राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया। आज ही के दिन सन 1978 में रोहिणी खादिलकर
राष्ट्रीय चेस प्रतियोगिता जीतने वाली प्रथम महिला बनी। आज ही के दिन सन 1978 डेनियल अराप मोई को केन्या के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। आज ही के दिन सन 1990 में अमेरिका का 67वां मानव अंतरिक्ष मिशन डिस्कवरी 11 अंतरिक्ष से लौटा। आज के हमारे डेली फैक्ट्स एंड करंट अफेयर प्रोग्राम में इतना ही। धन्यवाद।